गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम अपना लेसन 10 शुरू करेंगे, गुरुत्वाकर्षण। अभी तक हमने लेसन 8 और लेसन 9 में पढ़ा कि वस्तुओं की गति कैसे होती है, बल और गति के कारक क्या हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है ना। जैसे कोई वस्तु एक जगह रखी हुई है और उसकी हमको पोजीशन या दिशा बदलनी है तो किसी बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव यह देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है ना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर लगने वाला कोई ऐसा बल कार्य करता है ना। कोई भी आपस में ऐसा बल कार्य करता है तो इस बल को ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल कहा। तो इसके बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ये दो वस्तुएं हैं, जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है ना। इसका द्रव्यमान भी है, इसका द्रव्यमान भी है। तो इन दो वस्तुओं के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो आकर्षण बल कार्य करता है वो इन द्रव्यमान के कारण ही कार्य करता है। तो उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब कि आकर्षित करती है। इसी घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा जिस बल से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और यह गुरुत्व बल जो है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सभी छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच कार्य करता है। कोई भी, अगर दो व्यक्ति भी पृथ्वी पर बैठे हुए हैं या कोई दो वस्तुएँ हैं, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की हर वस्तुओं के बीच में ये कार्य करता है, चाहे कोई वस्तु छोटी है चाहे कोई वस्तु बड़ी है। तो अब ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि जब कोई बल कार्य करता है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता, है ना। अब ये प्रश्न आता है कि हम ये बल का अनुभव क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यह बल जो है हमारे द्रव्यमान के कारण कार्य करता है ना। और हमारा द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही कम है, इसलिए हमें इस बल का अनुभव नहीं होता। है ना। तो ये जो बल कार्य करता है यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसकी सबसे पहले इसकी व्याख्या सर आइजक न्यूटन ने की। वो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब ऊपर से नीचे गिरा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा, ये साइड में क्यों नहीं गया या ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो इससे ये सेब गिरा और उनके माइंड में खलबली मची कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई ना कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है पृथ्वी पर कि जो इस सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसी आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये किसने दिया? ये न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में सभी वस्तुएं जो हैं आपस में एक बल का अनुभव करती हैं, ठीक है। मतलब कि हर वस्तु के बीच में कोई ना कोई फोर्स कार्य करता है जिसका हम अनुभव नहीं करते, ना वो हमको दिखाई देता है, लेकिन वो कार्य करता है। और ये सभी वस्तुएं जो है कुछ रूल्स फॉलो करती हैं। तो जो ये रूल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ठीक है। इसका द्रव्यमान हमारा कैपिटल एम है, इसका द्रव्यमान हमारा स्मॉल एम है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार न्यूटन ने क्या बताया कि F जो है, बल जो है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि F समानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल M, ओके। और इसके बाद सेकेंड समीकरण न्यूटन ने क्या बताई कि F जो है, ये एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है,
इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो एफ जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के स्क्वायर के, है ना, डी के स्क्वायर के। तो एक समीकरण हमारी ये बन गई और दूसरी समीकरण हमारी ये बन गई। तो ये दो समीकरण हो गई, ये दोनों बातें जो किसने बताई, न्यूटन ने बताई, है ना। एक समीकरण ये हो गई हमारी, एक ये हो गई। जब हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे डी का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो इसको जब हम इसका ये वाला निशान हटाएंगे तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी आ जाएगा यहाँ पे, एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जी क्या होता है हमारा, ये जी है स्थिरांक या कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्थिरांक या कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन हो गई एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसकी वैल्यू होती है 6 × 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू किसने बताई हमको, किसने दी, ये दी हमें हेनरी कैवेंडिश ने। ये भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने दी, हेनरी कैवेंडिश ने दी। तो ये हमारी हो गई जी की वैल्यू। तो अब हमें ये समझ में आ गया, न्यूटन ने दो चीज़ें बताई कि वो कैपिटल एल और स्मॉल एम के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम इस नियम को समझ जाएंगे। ये नियम क्या है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य दो पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, ठीक है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, जैसे कि हमने देखा, समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें इन दो समीकरणों से समझ में आ गया। और ये बल जो कार्य करता है, यह बल जो है दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगेगा। तो ये नियम हो गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर बहुत महत्व है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो ना तो हम पृथ्वी पर चल पाएंगे, ना कोई कार्य कर पाएंगे, ये सारी वस्तुएं यूं उड़ती रहेंगी, है ना, किसी का भी कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो यह जो है हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, है ना, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, इसी के कारण गति करता है। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर भी ग्रह भी इसी के कारण गति करते हैं, मतलब पृथ्वी पे जो भी कार्य हो रहा है सब चीज़ इसी के कारण ही हो रही है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वारभाटा भी आता है। ज्वारभाटा क्या होता है, जब समुद्र में लहरें ऊंची और नीची उठती हैं उसी को हम ज्वारभाटा कहते हैं। तो ये भी सूर्य और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी के कारण ही होती हैं। तो आज हमने ये गुरुत्वाकर्षण का महत्व पढ़ लिया।